तो देखिए, अब आप सीधे आपको लिए चलते हैं जहाँ पर अमरोहा पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और सीधी तस्वीरें भी मिल रही हैं। और देखिए, जनसभा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी यहाँ पर। ये देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पीएम मोदी का स्वागत करते हुए अमरोहा में नजर आ रही हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और यही वजह है कि अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। महिलाओं में उत्सुकता अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर, और ये देखिए भारी संख्या में जो समर्थक है, जो लोग हैं, वो इस सभा में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आवाज मिल रही है आप तक? जी आ रही है आपने बात। ठीक है प्रमोद जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है, और ऐसे में मुद्दों की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन से बड़े मुद्दे, क्योंकि मुद्दों को लेकर हम पहले बात करें उसके बाद हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तो मुजफ्फरनगर में हमने बात की, मेरे सहयोगी वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, किसानों का एक बड़ा मुद्दा वहां पर है। ऐसे में जहां पर भी अभी वोटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभा में मोदी की गारंटी का जिक्र करते हैं, राम मंदिर का जिक्र करते हैं, तो विपक्ष के भी कई मुद्दे हैं बीजेपी को घेरने के। कौन से मुद्दे प्रभावशाली रहे? मुद्दे तो रहते ही, लेकिन अगर आप देखें तो इधर बीजेपी ने जिस ढंग से राम मंदिर का निर्माण किया, वो एक भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देने की कोशिश की है। वही अगर विपक्ष जो है वो गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, किसानों का, ये मुद्दे उठा के भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। जो उत्तर प्रदेश के जिन 8 स्थानों पर मतदान आज शुरू हुआ है या पहली चरण का मतदान हो रहा है, वहां पर इस चुनाव में 14 और 19 के चुनाव के, अगर 24 के चुनाव की थोड़ा सा, प्रमोद जी मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा और सीधे हम अपने दर्शकों को अमरोहा का रुख करवाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री जसवंत सिंह सैनी जी, विधान परिषद सदस्य सरदार हरि सिंह ढिल्लो जी, मान्य विधायक गण श्री महेंद्र खड़कवंशी जी, राजीव तरारा जी, हरेंद्र तेवतिया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हमारा सौभाग्य है कि इस पावन धरा पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। कुछ ही देर में उनका यशस्वी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। नए भारत के शिल्पी के रूप में, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को लेकर के अहर्निश प्रयास कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हम सबको प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज न केवल दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि 140 करोड़ का भारतवासी बड़े गौरव के साथ न केवल दुनिया में बल्कि देश के अंदर भी अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। देश के अंदर जो परिवर्तन वर्तमान में देखने को मिला है, यह परिवर्तन नए भारत के शिल्पी के रूप में आज विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए लोकतंत्र के प्रथम चरण के मतदान के दिन
अमरोहा वासियों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर देश के अंदर जो परिवर्तन हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, यह परिवर्तन अद्भुत है, अभूतपूर्व है, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतने बड़े विशाल देश को जिस मजबूती के साथ पिछले 10 वर्ष में बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, जिस मजबूती के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है, जिस मजबूती के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तो क्या उसकी मिसाल है, आपके सामने है। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष के लिए भी मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त कर दिया कि इन सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान जिसकी आबादी मुश्किल से 23-24 करोड़ की है, 1947 में देश से विभाजन करके बना पाकिस्तान, भूभाग भी ज्यादा था, आबादी भी कम थी, आज वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। यह भी हम सबके सामने उदाहरण है कि एक तरफ बदहाल पाकिस्तान और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात, देश के अंदर एक नए भारत की उस तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है जो हमें विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का ये पर्व। और बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो आवाज है वो आवाज इसीलिए सुनाई दे रही है, हर ओर से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों ओर से आवाज है। और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ भारतवासी विकसित भारत के इस महान शिल्पी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अमरोहा वासियों को की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण जनपद में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।